इस एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उसकी माँ ने उन्हें कहा था कि वो पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्या कर दिया था इस एक्ट्रेस ने, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। राखी सावंत कई बार इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि उनको जब बॉलीवुड में आना था तो परिवार से बहुत विरोध था, लेकिन विरोध इस हद तक था कि पिता के अंतिम संस्कार में भी राखी को नहीं बुलाया गया। एक समय तो ऐसा भी आ गया जब उनकी मम्मी को लगा कि राखी मर क्यों नहीं गई पैदा होते साथ। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा, मेरा परिवार बालिका वधू जैसा था, घर से भागना और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना ही मेरा एक लौता ऑप्शन था। आज मेरे पिता मुझ पर गर्व करते होंगे, शुक्र है भगवान का कि वो निर्णय लिया मैंने, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। मेरा परिवार मुझे आज भी नहीं अपनाता, वो मेरी माँ से बात नहीं करते, मेरे चाचा मेरा पूरा परिवार सोचता है कि मैं भाग गई थी, वैसे ही उनकी बेटियां भी भाग जाएंगी। वो आगे कहती हैं, मुझे लोग बहुत कुछ कहते हैं, मैं अटेंशन की भूखी हूँ ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मीडिया को मुझसे प्यार है। एक समय ऐसा था जब मेरी माँ ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे विवाद क्या है, काश तुम पैदा होते ही मर गई होती। ये तब हुआ था जब मेरा परिवार मिक्का सिंह संग मेरे विवाद के बाद मेरी माँ के खिलाफ खड़ा हो गया था, आपको याद होगा, जो जबरदस्ती किस की गई थी। वो आगे कहती है, मेरे पिता मेरी माँ को मारा करते थे, मैंने उन्हें कहा था मुझे कोई बॉलीवुड में जाकर ताज नहीं पहनाएगा, मुझे स्ट्रगल करने दो, मुझे फ्रीडम तो दो, मैं अमिताभ बच्चन या अनिल कपूर की बेटी नहीं हूँ, मैंने तो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। तो ये सारी बातें जो हैं उन्होंने कही कि उनको किस स्ट्रगल से गुजरना पड़ा। एक समय ऐसा था जब पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा था। वो कहती हैं कि मेरा परिवार ये सोचता है कि मेरा जो है बुरा असर उनके बच्चों पर होगा, इसलिए वो मुझे जो है अपने बच्चों से दूर रखते हैं। मेरी माँ को भी वो सब यही बताते थे और मेरी माँ भी उनकी बातों में आ गई थी। पिता के अंतिम संस्कार में सोची राखी को नहीं बुलाया गया और राखी जो है बीच में कहीं अचानक गुम हो गई थी, बिग बॉस में वापस आई और उसके बाद फिर से उनका एक दौर आया है और वाकई में अब राखी को फिर से काम मिल रहा है। हालांकि वो इन सारी चीजों के लिए अक्सर सलमान खान को शुक्रिया अदा करती हुई नजर आती हैं।